कश्मीर को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे ने मंगलवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से गुजरने वाली भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी 12.75 किलोमीटर की टनल को दोनों सिरों से खोल लिया गया है, यानी इसके आर पार की खुदाई पूरी कर ली गई है। इस टनल को T49 नाम से भी जाना जाता है। यह टनल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल रेल खंड में बनी है। इस खंड में चिनाब दरिया पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल भी निर्माणाधीन है। वहीं T49 देश की सबसे लंबी और एशिया की दूसरी सबसे लंबी रेल टनल बन जाएगी। कटरा से बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के निचले पहाड़ी इलाके से गुजरता है और इस हिस्से में निर्माण कार्य जारी रखना एक बड़ी चुनौती है। इससे रेलखंड में कई बड़े पुल और लंबी टनलें हैं। इन्हीं में T49 टनल भी एक है। ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी टनल होगी। इस टनल का दक्षिण छोर रामबन जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर सुंबर गांव में सुमंदर तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और उत्तरी छोर रामबन जिला में ही खड़ी तहसील के अपचिला गांव के पास समुन्द्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दो ट्यूब वाली इस टनल में एक मुख्य टनल है और दूसरी आपात स्थिति में प्रयोग की जाने वाली अपेक्स टनल। इसका निर्माण आधुनिक ड्रिल और ब्लास्ट तकनीक से किया गया है। इसे न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड कहा जाता है। दोनों टनल के आर पार करने के लिए अंतिम धमाका मंगलवार को उत्तर रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी AK खंडेलवाल की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर इरकान के CGM अखिल अग्रवाल, SCC के प्रोजेक्ट मैनेजर और अन्य लोग मौजूद थे। बनिहाल से मेहरान वानी की रिपोर्ट।